So friends, finally the time has arrived. Welcome back to channel. So this will be the episode 1 of my first big ride to Kanyakumari Rameshwarams. The bike is doing cold start. Currently the time is exactly 4 o'clock. 3:30 ka plan tha, main late ho gaya, kya kare. You can see this time I use the cloth and my tank bag. 2nd of March, and I am heading towards Tumkur, which is around 917 km far from my city. So as per Google, it's showing me it will take around 16 hours 50 minutes 50. So abhi 4 baje start kiye to around 8:30 9 to baj jayenge. I will try cover as much as possible, but as you are aware, I have my wife as a pillion, so I can't rev bike too much. One thing is there, if you guys able to see this vlog, that means I have successfully completed my Rameshwaram Kanyakumari and coastal Kerala ride. So see you ahead. First toll booth. Don't know kitne toll booth milenge is journey mein hame. Bye bye Mumbai. See you in 7 or 8 days. So friends, it's 5:49 and I'm in Lonavala. Around 20 मिनट्स का एक ब्रेक लिया था हम लोगों ने आफ्टर पनवेल, क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पे, बहुत तेज. पनवेल तक मुझे लगी नहीं, मगर आफ्टर जैसे पनवेल सिटी क्रॉस होता है, बस क्या ठंडी है, फट्टे ठंडी बोल सकते हैं आप उसको. पूरे हाथ मेरे फ्रीज हो गए. क्या भाई, रास्ते के बीच में एक्सल ब्रेक हुआ है भाई साहब का. अरे रे रे रे. सो फ्रेंड्स, इट्स 6:43 एंड आई एम ऑन Pune bypass road. Present to you sun. Finally. ठंडी लग रही थी, अभी थोड़ा गर्मी का एहसास मिलेगा. So अभी time है 7:12. हॉर्न तो बहुत अच्छा काम कर रहा है. I must need a horn for such a rides. बड़े बड़े ट्रक भी डर रहे हैं, इजिली लाइन दे देते हैं. So friends, it's 7:53. Distance cover abhi tak 204 km. About to start this beautiful Khambatki ghat. So ye ek hi ghat lagega, uske baad koi aage koi ghat nahi hai, straight road hai. To thoda bore ho jaunga, abhi tak kaise tunnels aa rahe the, ghats aa rahe the, but aage aisa kuch nahi hai, straight cement roads. Balon ki taraf mat jaiye, baal to aise dikhne wale aapko aaj pura din bhar. So take a first haul for a breakfast after Khambatki Ghat. So what we are having for breakfast, let me show you. Misal pav and then kanda bhaji with chai. It's 9:27 and I am running out of fuel. I can see the petrol pump. So Kolhapur is from here is 100 km. So petrol rate current here is 78.34. So it's 9.46 for 741. So friends, just took a small break before Kolhapur. Kolhapur is around 20 kilometers ahead, and currently the time is 10:10. Still have to go more 600 kilometers. अभी धीरे-धीरे धूप बढ़ते जा रही है. अरे भाई, ब्रेक बड़ा हो गया. सोचा था 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 20 मिनट का ब्रेक हो गया. तो अभी टाइम हुआ है 10:54, अराउंड 11 बजने को आए, एंड आई एम बिहाइंड ऑफ शेड्यूल ऑफ 1 आवर. मैंने सोचा था 10 बजे कोल्हापुर पास कर लूँगा, बट यार 1 घंटा लेट हो गया. कुछ नहीं, आई विल ट्राई टू कवर नाउ. वे टू कोल्हापुर फ्रॉम हियर एंड दैट इज द गेट ऑफ कोल्हापुर. ओह मैन, फर्स्ट टाइम नेटिव प्लेस के हाईवे से जा रहा हूँ और अंदर नहीं जा रहा हूँ यार. फीलिंग वेयर, कुछ नहीं, अगर सब प्लान सक्सेसफुल हुआ तो आई एम थिंकिंग अबाउट विजिटिंग माई नेटिव प्लेस वाइल कमिंग बैक. लेट्स सी. सो ऑफिशियल इंटरिंग कर्नाटका. बाय बाय महाराष्ट्र. फर्स्ट टोल ऑफ कर्नाटका, कंगोली टोल प्लाजा. अरे 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 अरे, रुको रुको सर रुको. बाय बाय महाराष्ट्र. फाइनली 3-lane road. वाओ,
बहुत मज़ा आ रहा है बॉस, बहुत मज़ा आ रहा है लीन मारने में। ज़्यादा नहीं मार सकते हैं, वाइफ भी बैठी है पीछे। एग्जिटेड महाराष्ट्र फ्रॉम दिस साइड वेरी फर्स्ट टाइम। कर्नाटका स्वागत नहीं करोगे हमारा? होटल गोवा वेस्ट, सो इफ यू वॉन्ट टू गो टू गोवा यू कैन टेक दिस रोड एंड हैव अ ब्यूटिफुल लंच एट दिस होटल गोवा वेस्ट। सेकेंड टोल बूथ ऑफ कर्नाटका हतरगी टोल प्लाजा। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। रोड तो खाली है फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है। वाओ व्हाट अ ह्यूज फ्लैग मैन, वाओ कूल, प्राउड टू बी अ इंडियन। बेलगाव सिटी कैन बी एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 to 4 किलोमीटर। स्पीड आप देख सकते हो 100 के प्लस ही चला रहा हूँ जैसे इंटर किया मैंने फर्स्ट कर्नाटका टोल बूथ। डिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से कवर हो रहा है, बड़े की प्रॉब्लम है 100 प्लस चलाने के बाद वाइब्रेशन फील हो रहा है सीट पे, उसकी वजह से नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। क्या करे, सिंगल सिलेंडर बाइक पे ऐसे ही होगा। उबड़ी 93, शी इज अलाउिंग मी टू गो 100 प्लस स्पीड बिकॉज यू गाइज अवेयर द रियर सीट ऑफ RR310 इट्स नॉट कम्फर्टेबल फॉर 200 प्लस किलोमीटर। एंड करेंटली आई हैव कवर 479 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, उसकी हालत भी मैं समझ सकता हूँ। क्या करे, डोंट हैव एनी ऑप्शन, इट्स हर चॉइस ओनली। ओहो वाओ मैन वाओ, लुक एट दिस पैलेस। राजस्तंभ भी है वहाँ पे, तो आई थिंक इट इज गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग, मे बी, आई डोंट नो। सब्सक्राइबर फ्रॉम कर्नाटका प्लीज डू लेट मी नो व्हाट दिस बिल्डिंग स्टैंड्स फॉर, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। धारवाड 67 हावरी 210, विद इन 45 मिनट्स वी हैव कवर 101 किलोमीटर डिस्टेंस। नॉट बैड, अगर ऐसे स्पीड हो रहेगा तो फॉर प्लस 500 किलोमीटर्स यार 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। सो थर्ड टोल ऑफ कर्नाटका अशोका बेलगाम धारवाड टोलवे। टॉयलेट एक चीज है यार, यहाँ पे हर टोल के यहाँ पे टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करके रख दिए विच इज़ वेरी गुड। महाराष्ट्र में तो मुझे रेयरली दिखते हैं यार टोल बूथ के, यहाँ पे हर एक टोल बूथ पे नहीं है, मगर ये चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पब्लिक टॉयलेट्स रोड्स के ऊपर, जैसे बस स्टॉप भी था उसके बाजू में उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके रखा था, विच इज़ वेरी गुड कर्नाटका गवर्नमेंट, कूल। यार बालों की तो पूरी लग गई है, जल्दी टकला बन जाऊंगा मैं। जस्ट टेक अ हॉल्ट नेक्स्ट टू बेलगाव सिटी फॉर लंच, तो अभी थोड़ा खाना खाएंगे, 10-15 मिनट थोड़ा और रेस्ट करेंगे और उसके बाद राइड वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। कैन सी द रोड बिहाइंड मी, वहाँ पे रोड है, बाइक वहाँ पे, थोड़ा सा इतना छोटा सा पेड़ है उसके नीचे पार्क करके रखिए, थोड़ी सी छाव मिले, तो अभी खाना खाते हैं और राइड कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर लंच वी है ऑर्डर चिकन हैदराबादी रोटी और उसके बाद राइस खाएंगे। सो हैड अ ब्यूटीफुल लंच और अभी समय हुआ है 1:59, दैट मीन अराउंड 2 बज गए और डिस्टेंस अराउंड यहाँ से अभी कुछ स्टील मुझको कवर करना है 400 प्लस। क्या हमें नाइट राइडिंग करनी पड़ती है, लेट्स सी। हुबली इज 30 किलोमीटर्स अहेड, सो नाउ आई थिंक फॉर 30 किलोमीटर्स देर विल बी नो डिवाइडर, रिस्की रोड। अभी थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। दिस रोड इज डेंजरस भाई साहब, कब से देख रहा हूँ मुझको, वो लोग दबा दबा रहे हैं, मेरा टर्न है उनको दबाना। द हॉरिफाइड नॉन डिवाइडर रोड इज गोइंग टू एंड, ये क्या कर रहा है भाई साहब,
बीच में इतना लाइन दिया फिर भी ये साइड से आ रहे यार। सो द पेट्रोल रेट हियर इज 74 रुपीज। 4 आवर्स बिफोर व्हेन आई फिल इट इन महाराष्ट्र इट वाज 78 रुपीज। सो आई फिल अप 668.91 लीटर्स। रीच हुबली, जस्ट फिल अप द बाइक एट पेट्रोल पंप। करंटली द टाइम इज 2.45। नाउ इट्स टाइम टू गेट सम लिक्विड टू द बॉडी। सो फ्यूल तो भर दिया है बाइक में, तक क्लॉक हुआ है ओडोमीटर पे 577 और सुबह जो फिल किया था तब 277 या 78 समथिंग कुछ था। तो एग्जैक्टली 300 किलोमीटर्स चली बाइक इन 8.24 समथिंग लीटर्स में। प्रीवियसली फुल टैंक में 11 लीटर्स में 321 की रेंज दिखाता है या कभी कभी 312 की दिखाता है, मगर 8 लीटर्स में अराउंड 300 किलोमीटर बाइक चली है तो बस न्यू ईसीयू अपडेट, इट्स रॉक सॉलिड रॉक। वाइब्रेशंस भी कम है बाइक के ऊपर और फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हो गई है। गुड जॉब टीवीएस। इवन वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, बाइक का ब्रेकिंग जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। बाइक ब्रेकिंग मीन्स इंजन ब्रेकिंग। सो नॉर्मली जब पहले बाइक रेस करते थे और एक्सलेटर छोड़ देते थे तो आरपीएम बहुत धीरे धीरे आता था और अराउंड 300 के पे अटक जाता था थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद वापस नीचे आता था, और आफ्टर न्यू ईसीयू अपडेट जैसे आप एक्सलेटर छोड़ते हो इंजन ब्रेकिंग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। विद इन फ्यू सेकेंड्स बाइक का स्पीड ऑटोमेटिकली कम होते जा रहा है। ये तो बहुत पास आ गई। ओहो भाई, एक बात तो है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने रोड सुपर्ब किए यार। इमेजिन कीजिए कॉन्स्टेंट 100 प्लस स्पीड पे चला रहा हूँ मैं तो रोड्स कितने अच्छे होंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ तो सीखो यार यहाँ से। ना वेलकम टू चेलागिरी की चेलागिरी। सो जस्ट रिच देवनगिरी, गेरे गेरी आई डोंट नो। जो पानी कैरी किया था टोटली ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा कूल पानी भर के लिया है अभी। तो द डेस्टिनेशन इज स्टिल अराउंड 245 किलोमीटर्स। गूगल सेइंग 4 आवर्स 3 मिनट्स और अभी बज चुके हैं 4:30। एक नंबर है बॉस, एक नंबर। जस्ट चला चला के बोर हो चुका हूँ यार। 6K RPM के ऊपर जाने के बाद सीट के यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन आ रहे हैं यार, बहुत। तो बोर हो रहा हूँ मैं, नहीं तो यार गाड़ी चला में मज़ा आ रहा है, ज़रा सा भी टायर फील नहीं कर रहा हूँ। और बिकॉज ऑफ ऑल दिस वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है कब आएगी मेरी डेस्टिनेशन। वाओ फ्रेंड्स, लुक एट दिस ट्रीज, सेम साइज के हैं, लुक्स ऑसम मैन। नाउ आई फील आई केम टू साउथ इंडिया। सो जस्ट क्रॉस दिस हेबालू टोल प्लाजा और अभी हुए हैं 5:55। क्या बात है, 5:55 एंड अभी तक किलोमीटर्स हमने कवर किए हैं 741 मॉर्निंग से। जितना उजाला है उतना भगा लेता हूँ बॉस, क्योंकि अंधेरा होने के बाद हालत ख़राब। एक तो वाइज़र मैंने वापस चेंज किया, वापस मुझको वाइज़र भी चेंज करना पड़ेगा टू द क्लीन वन। ओ गॉड इट्स रेनिंग नाउ, तभी बोलो इतना अंधेरा जल्दी कैसे हो गया है। दीज आर द ऑल रेनी क्लाउड्स, सो इट्स रेनिंग। जोर से नहीं, थोड़ी थोड़ी। ओह मिट्टी की स्मेल, हाँ 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 क्या बात है, मिट्टी की स्मेल भी आ रही है। अरे भाई बादल भाई साहब, थोड़े 2 घंटा रुकिए हमारे लिए यार, जाने दीजिए एक बार होटल के अंदर, फिर आपको गिरना उतना गिरिए यार। मैंने कुछ नहीं लाया रेनी, महीना चल रहा है मार्च और यहाँ पे गिर रहा है बारिश। ये देखिए गीला रोड, ये देखिए गीला रोड। अरे ओ ओ, ओ ओ ओ जाने दो हमें। ये देखिए पानी रोड पे, ये देखिए यहाँ पे जोर से गिर के चली गई है बारिश और स्मेल आ रही है यार। काश वीडियो के थ्रू आपको एक स्मेल भी दे देता, मिट्टी की खुशबू आ रही है मस्त। कोकोनट ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, ब्लैक क्लाउड्स। तुमकुर इज 163। वाओ फ्रेंड्स,
क्या माउंटेन लग रहा है यार, सुपर्ब। बीच में ही ऐसे माउंटेन्स है, कूल। तो अभी टाइम इज 6:18। क्या हुआ भाई साहब, आप बीच में क्यों खड़े हो गए, चढ़ नहीं रहे हो? क्या है अंदर, खाली तो है नहीं? इसका एक्सल टूट गया है, ये भी साथ। ट्रैफिक जाम मत करो। सो फ्रेंड्स, नाइट राइडिंग अगेन, स्टिल तुमकुर इज 100 किलोमीटर्स अहेड। अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 7 बजे और अभी तक डिस्टेंस कवर किया हमने 809 किलोमीटर। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लिया था अराउंड हाफ एन आवर का, उसके बाद कंटिन्यू किया है, थोड़ी चाय पी, फ्रेश हो गए, क्योंकि बाइक के ऊपर कांस्टेंट बैठ बैठ के मैंने बता दिया वाइब्रेशन की वजह से बम बम आपका पूरा सुन हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेना ही पड़ता है आफ्टर एवरी 1 आवर, विच कांट बी अवॉइडेड ड्यू टू सिंगल सिलेंडर। इट्स स्ट्रेंज, ये तो 75.28 एंड व्हेन वी फिल अप एट स्टार्टअप ऑफ कर्नाटका इट वाज 74। फिल अप द पेट्रोल 8 लीटर 8.38 फॉर 630। 3 बार फिल अप किया, कुछ ना ही दिक्कत है भाई, यहाँ पे रास्ते पे लाइट ही नहीं है। थैंक गॉड टू RR310 ब्यूटीफुल हेडलाइट्स। आज सुबह से इतने कीड़े मारे, सबका पाप चढ़ गया रहेगा मेरे ऊपर। सो तुमकुरु इज 67 किलोमीटर्स। अभी समय हुआ है 7:35। एक चीज़ है ना दोस्तों, आना चाहता हूँ, रोड्स बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। आप देख सकते हैं रात में आगे का रोड का मुझको कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी मैं अप टू 90-95 की स्पीड से भगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिए रोड्स बहुत अच्छे। कहीं भी आपको पॉट हो तो उतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया। अभी आप ऐसे मत समझिए कि इस रोड से मैं जाना पहचाना हूँ इसलिए भगा रहा हूँ, नहीं भाई नहीं, मैं पहली बार चला रहा हूँ इस रोड पर बाइक, तो मुझे कुछ पता नहीं ये सब रोड्स का। ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं उनको देख देख के मैं जा रहा हूँ आगे, अभी तक मैंने गूगल मैप से चालू नहीं किया। तो तुमकुर अराउंड 30-20 किलोमीटर आ जाएगा तो मैं गूगल मैप्स लोकेशन ऑन कर दूंगा ऑफ माय होटल। चलो अभी क्या आपको बोर करूँ, फालतू में वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाते हो। मिलता हूँ आपको आगे। सो फ्रेंड्स, Finally it's around 8:30 and I reached to my hotel. Finally. So friends, hotel के अंदर तो check in कर ली, तो currently time is 8:55. So around 9 बज गए. So this will be the my first longest ride in my life. Clock around 903-904 kilometer. I will post the snap now. So as always, if you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend. And हाँ, please subscribe कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे beautiful vlogs आने वाले हैं। Tomorrow journey will be 650 kilometer from this location to Rameshwaram. So it will take around 11 hours for me. Let's see, सुबह 6 बजे निकलने का plan है. So all that things will be covered in next vlogs. So don't forget to watch that. So this is Sagar signing off. Bye bye. Pampad Bridge! Fuck! Finally! Railway! On Pampad Bridge! Can't believe it! I think I'm shivering! You can see it! So friends, finally I'm on Pampad Bridge! I came here through my bike, not with the train, not with any of the bus or not with the public transport.